सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाने वाले स्लैम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो गर्म पानी ले लेना है, जो कि हमने कटोरी में गर्म पानी ले लिया। उसके अलावा आपको सर्फ ले लेना है, तो कोई से भी सर्फ को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने के लिया है सर्फ एक्सल, तो आपको इसमें थोड़ा सा सर्फ एक्सल डाल देना है। उसके अलावा आपको ले लेना है नमक, तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। और नमक को डालने के बाद हम दोनों को हल्के हल्के दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे कि हमारा जो मिक्सर है अच्छे से तैयार हो चुका है, इसमें जो सर्फ था नमक था दोनों अच्छी तरीके से घुल गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमको सिंपली करना है कि हमें एक दूसरा कटोरी ले लेना है, और इस कटोरी में हम इसके अंदर डाल देना है गोंद। तब इसमें किसी भी गोंद को यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने 5 रुपये वाले गोंद का इस्तेमाल किया। तो मैं इसके अंदर 2 डब्बी गोंद को डालने वाला हूँ, तब किसी भी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अपने सारे गोंद को इसके अंदर डाल देना है। तो फ्रेंड्स हमने अपने गोंद को कटोरी में इकट्ठा कर लिया। इसको फ्रेंड्स आपको सिंपली करने के हमने जो मिक्सचर बनाया था, हमें इस मिक्सचर को ले लेना है। और मिक्सचर को लेने के बाद हमारे जो गोंद है उसके अंदर हमें इस मिक्सचर को अच्छे से डाल देना था। हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा अगर इसके अंदर डाल के देखते हैं, क्योंकि इसके क्वांटिटी के हिसाब से हमें डालना था। इसके अंदर 1 चम्मच डालते, 2 चम्मच और 3 चम्मच डालते हैं। इसके बाद हम अच्छे से मिक्स करके देखते हैं कि इसमें और चाहिए या नहीं। तो जो कि धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा था, फिर इसके अंदर थोड़ा सा कम पड़ जाता है। इसके अंदर हम बाद में और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा और थोड़ा सा ऐड करने के बाद हम इसे लमसम 2 मिनट के लिए मिलाते रहते। तो मिलाने के बाद हमारा जो स्लैम है ये बनना थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो स्लैम अच्छे से बनना स्टार्ट हो चुका है। उसको तो सिंपली करते क्या है, हम अपने चम्मच को रखें, हम अपने हाथ से करना स्टार्ट कर देते। तो आपको अपने हाथों के जरिए से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो उसको जैसे कि आप देख सकते हैं स्लैम ऊपर अच्छे से बन चुका है। उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी था हमें इसके एक्स्ट्रा वाटर को निकाल लेना था। जो कि आप देख सकते हैं इसके एक्स्ट्रा वाटर निकालने के बाद हमारा जो स्लैम है ये अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो उसके बाद इसके अंदर भी और भी एक्स्ट्रा वाटर है, तो हमें उसके भी अच्छे से निकालना है। तो सारे वाटर को निकालने के बाद हम इसे अपने हाथों के जरिए से अच्छे से निचोड़ लेते हैं। तो अच्छे से निचोड़ने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्लैम बहुत ही अच्छे से बन चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा स्लैम किस टाइप का बना था। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्लैम बहुत ही अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एंड आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए।